यूपी के संभल में गैंगरेप की कोशिश के बाद महिला को जिंदा जलाने के मामले पर जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि 14 जुलाई को गांव के ही 5 दबंगों ने महिला को घर से अगवा कर पहले उसके साथ गैंगरेप की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद महिला ने जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जनतंत्र टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एडीजी प्रेम प्रकाश ने गांव पहुंचकर पुलिस के आरोपियों के घर पर दबिश दी और 2 दिन तक आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। आपको बता दें कि जनतन टीवी की खबर का असर हुआ है। जनतन टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बता दें कि यूपी के संभल का यह पूरा मामला है, जहां पर एक महिला के साथ 5 लोगों ने मिलकर के पहले गैंगरेप की कोशिश की, जिसके बाद वो जब नाकाम हुए तो महिला को जिंदा जला दिया। महिला की मौके पर ही जलने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। जिस पूरे मामले पर पहले तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर गैंगरेप की घटना को सिरे से नकार दिया था, लेकिन बाद में इस खबर को जनतन टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। आपको बता दें कि जनतन टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एडीजी प्रेम प्रकाश ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, उसके बाद उस गांव में जाकर के इस पूरे मामले पर दबिश दी। और आपको बता दें कि फिलहाल अभी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश एडीजी की तरफ से दे दिए गए हैं, जिसके बाद 2 दिन की मोहलत दी गई है। 2 दिन के अंदर अंदर पुलिस प्रशासन को, पुलिस अमले को आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही गई है। जनतंत्र टीवी का यह बड़ा असर संभल में देखने को मिला है।